हरियाणा के अवैध शराब महाराष्ट्र, गुजरात सहित आंध्रा में भी सप्लाई होती है, जिनके शराब से भरे कंटेनर और ट्रक अक्सर पकड़े जाते हैं। पुलिस की निगाह से बचने के लिए ये शराब तस्कर नित नए तरीके आजमाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 5 लाख की अवैध शराब के चक्कर में 21.5 लाख की दाल और 20 लाख का ट्रक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, यानी कि यहाँ दाल पतली हो गई। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, जहां इंदौर रोड पर वर्कशॉप में खड़े ट्रक में शराब होने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि शराब की 36 पेटियों को ट्रक में रखी मूंग की दाल की 490 बोरियों के बीच छुपाया गया था। यह ट्रक राजस्थान के गंगानगर से मूंग दाल भरकर हरियाणा होते हुए निकला। हरियाणा में इसमें शराब लोड की गई। शराब तस्करों के लिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खंडवा जिले में पहुँचते ही ट्रक का गियर बॉक्स खराब होने से उसे रिपेयर करवाने हेतु एक वर्कशॉप में रुकना पड़ा। यही किस्मत दगा दे गई। देशगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल गई। पुलिस ने 5 लाख की अवैध शराब, ट्रक में भरी 21,49,874 रुपए की मूंग दाल और 20 लाख रुपए के ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने समस्या खड़ी हो गई कि जब्त दाल की बोरियों और शराब की पेटियों को कहां रखें। फिलहाल पूरा पुलिस थाना गोदाम में तब्दील हो गया। पुलिस चौकी में जहां खाली जगह दिखी वहां माल रख दिया। अब हाल यह है कि सलाखों के पीछे मूंग की दाल को रखना पड़ा। सफलता पुलिस को मिली है और खासतौर पर एक नया ट्रेंड देखने में आया कि तुअर की दाल की आड़ में शराब की तस्करी। क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या मामला? इसमें जो चौकी देशगांव है, इसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला था कि एक अशोक लीलैंड वर्कशॉप पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, जिसमें मूंग की दाल भरी है और मूंग की दाल के कट्टों के बीच में शराब को रखा गया है। तो इसमें फिर हमने जाके कार्यवाही करी, जिसमें लगभग 36 पेटी शराब थी, अंग्रेजी शराब थी। इसके साथ 490 कट्टे मूंग की दाल के मिले हैं और साथ में इसमें ट्रक को भी जब्त किया गया है। लगभग इसका मूल्य 50 लाख से कई करीब, इसका जो जितनी भी हमने सामग्री जब्त करी है उसका मूल्य लगभग 50 लाख रुपए है। खंडवा से राहुल बौरसिया के साथ अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।